रिश्ते कुछ अधूरे से। गेदी आई है? नहीं दादू। बेटा उसने कुछ तो बताया होगा, क्या चाहती है वो, क्यों चली गई? कुछ नहीं दादू, हम दोनों के बीच में छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो आ जाएगी वापस। आ जाएगी? कब आएगी? दादू मैंने खुद उसको कुछ अरसा बोला, मेरा मतलब है कुछ दिनों वहां रुकने को कहा है, हम दोनों के लिए बेहतर होगा। हम दोनों के लिए बेहतर होगा, हमारे लिए क्या होगा इससे कोई कंसर्न नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके दरमियान कौन सी ऐसी बात हो गई कि उसने इतना शदीद रिएक्ट किया? कुछ नहीं पापा, मेरे और गेदी के बीच में जो भी हुआ वो सरासर मेरी गलती थी। गेदी का गुस्सा बिल्कुल ठीक है, क्या हम कुछ अरसे के लिए गेदी को उसके अपने हाल पे छोड़ नहीं सकते? देखा देखा आपने, कल ये कुछ और कह रहा था, आज सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। झूठ बोल रहा है ये, और सर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। मालूम इसको सब कुछ है। तो आपको गेती की झिझक समझ में आती होगी, किरण दिल से इस रिश्ते को तस्लीम कर चुकी है। उसकी वेडिंग में साफ साफ उसकी फीलिंग नजर आती है भाई। भाई मेरी बात, पापा और दादू को सब कुछ बता दो, उन्हें एतमाद में ले आओ, सब ठीक हो जाएगा भाई, सब कुछ।
बेशक يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हुदूद से तजावुज करे उसे वो ऐसी आग में डालेगा जिसमें वो लंबा अरसा रहेगा और उसके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब है. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم توبة 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 يا الزمان آ گیا ہے कुछ खुदा का खौफ नहीं रहा किसी में. मस्जिदों में भी दूसरों की इज्जत उछालने से बाज नहीं आते हैं लोग. बच्चियां सबकी सांझी होती हैं. किसी की भी बच्ची पे इल्जाम लगाने से पहले, इल्जाम तराशी करने से पहले इंसान को कम से कम एक मर्तबा तो अपनी बच्चियों के बारे में भी सोच लेना चाहिए. बुरा वक्त बता के थोड़ी आता है. अपने अशरफ साहब है ना, माशाल्लाह जिन्होंने 3 मर्तबा हज की शहादत हासिल की है, कि मंझली बेटी के बारे में आजकल काफी बातें हो रही हैं. अभी 2 ही माह हुए उसकी शादी को. सुनाए कि नाराजों के बाप के घर में आके बैठ गई है. कहने वाले तो कह रहे हैं कि उसके किरदार में कोई झोल है. तौबा तौबा तौबा. बिना तस्दीक किए किसी के बारे में भी ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए. बेशर्म लोग, जरा भी शर्म नहीं आती इन्हें. बेहया, बेगैरत. मैं भी तो जवान बच्चियों का बाप हूं. यही सोच के पत्ते की तरह लरस जाता हूं मैं. ओहो, तौबा 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 तौबा. आपकी चाय. जी नहीं चाह रहा. हमारे दर में आज जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाए तो बेहतर है. किरण आपकी मनकूहा है. आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं. लेकिन
वो दबाव में आके पीछे हट रही है। अगर उसने इस रिश्ते को दिल से तस्लीम ना किया होता तो बात और थी, लेकिन सब कुछ जानते पूछते पे उस पे जुल्म नहीं कर सकती। हर साल अगर आपने किरण को तलाक दे दी तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिंदगी भर उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। किरण इस रिश्ते को निभाने के हक में नहीं है केती, हम उस पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो मेरी खातिर कुर्बानी दे रही है, अम्मी ने खानदान की इज्जत के वास्ते दे दे के उसे मजबूर कर दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और सर मैंने बहुत सोचा, ये हादसाती बंधन नहीं था, अल्लाह को यही मंजूर था, वरना उस दिन मुझे देर ना होती, दादी की तबीयत यूं अचानक ना बिगड़ती और इमरजेंसी में ये निकालना होता। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो किस्मत ने आप दोनों को मिलाने के लिए किया। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही होगी थी। हमारे घर वाले, हमारा माशरा ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। वो कैसे? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? यानी अर्सल का निकाह किरण से? I know it is unbelievable, लेकिन मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है। मुझे शुरू से ये लड़की गीती जो है ना, इसका कैरेक्टर सस्पिशियस सा लगता है। छुप छुप के अपने बाप से ही बाहर निकला करती थी, और माँ का हाल देखो, अजीब, covering up all the time for the daughters। वो तो दादो की तबियत खराब हो गई तो हमें तो अचानक जल्दी में निकाह पढ़वाना पड़ा, बुरे फंस गए हम तो। मतलब एक बेटी बाहर गई भी तो दूसरी का निकाह पढ़वा दिया, and it's just पूरी फैमिली धोखेबाज है। I don't believe it। मैंने कभी अपनी लाइफ में ना कभी ऐसा देखा ना कभी सुना। किस किस्म के लोग हैं यार ये? I know। यानी एक बेटी का निकाह करा के दूसरी बेटी को नामहरम के साथ रुखसत कर दिया, ये तो सीधा सीधा वो क्या कहते हैं, हदूद का केस हो गया है। चलिए को ये बात प्लीज किसी के सामने कह मत देना, हमारी फैमिली की तो बहुत बदनामी होगी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में है। बाय द वे मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, क्या सोचा तुमने, गीती को और उसके घर वालों को नीचा कैसे दिखाओगी? मैं चाह रही हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमारी फैमिली की इज्जत पर तो आंच भी ना आए, लेकिन गेती और उसकी फैमिली मुंह छुपाते फिरें दुनिया से। सोच रही हूँ आज ही दादो, मामा, पापा सबको सच्चाई बता दो, फिर देखती हूँ। उठो गेती, उठो बेटा, गेती, गेती, गेती। रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। तुम्हारी जुड़त
कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से, इश्क ना मुकम्मल सा रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। यार इतनी अनयूजुअल कहानी पहले कभी सुनी नहीं। कहानी नहीं, हकीकत। हेलो हेलो, और इस हकीकत को तुम अपने अखबार में जगा दोगे, और वो भी बड़ा चढ़ा के। मैं चाहता हूं कि मेरा ससुराल पूरे शहर में जलील व ख्वार। वो सिर्फ एक मोहरा थी, अब भी है, जिसको मैंने इस्तेमाल किया उसकी फैमिली को टफ टाइम देने के लिए, और वो मेरे इशारों पर नाचती रही, नाचती रही। मेरे हाथ जायदाद तो नहीं आई, अब वो मेरे किसी काम की नहीं, और उसकी ये नाराजगी भी मेरे लिए बिल्कुल बेमानी है, और ना ही मैं थूक चाटने वालों में से हूं। और वैसे भी मैं अपनी नई बीवी और बच्चों के साथ बहुत खुश हूं, सो आई डोंट नीड हर एनीमोर। हेलो, मैं अरसल की दादी बात कर रही हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा ये बताओ, हमारी बहू कैसी है? जी अच्छी है। मेरी बात हो सकती है उससे? जी वो मैं चाह रही थी मैं अपनी बहू से बात कर लूं। जी लेकिन अभी सो रही है। सो रही है इस वक्त? खैरियत तो है? असल में वो रात को उसके सर में दर्द था, तो शायद नींद पूरी नहीं हुई। अच्छा तो ऐसा कीजिए कि जब वो बेदार हो जाए तो उससे कहिएगा मेरा फोन था, मैं उससे बहुत बात करना चाह रही थी। अगर उसने मुझे फोन नहीं किया ना, तो फिर उससे बात करने के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा। जी जी।
ये गेती खाना नहीं खा रही? सो रही है। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसे बुलाऊं। मुनासिब क्या होता है? ट्रे में खाना लगकर अलग अलग कमरों में खाने खाते हो तुम लोग, बेबरकती होती है इससे। नबी पाक की हदीस है कि इकट्ठे बैठ के खाना खाओ, उससे बरकत होती है। किरण जाओ, जाके गेती को उठा के लाओ। तो पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो जाता है, ससुराल जाती हैं तो माँ बाप के घर की तरबियत ही भूल जाती हैं। डर मैं बुला के पानी डालो। गेती चलो बेटा उठो, अब्बू बाहर बुला रहे हैं, कह रहे हैं सबके साथ टेबल पे खाना खाओ। उठो बेटे, बुला रहे हैं, गुस्से में। उठो गेती, उठो बेटा। गेती बहुत ज़्यादा वीकनेस और बेआरामी की वजह से इनका बीपी लो हो गया था। मैं इन्हें ड्रिप लगवा देती हूँ और कुछ ज़रूरी टेस्ट करवा लेते हैं। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, अक्सर ऐसी हालत में बीपी लो हो जाता है। ऐसी हालत में क्या मतलब? आई थिंक शी इज मैं गेती से मिलने जा रही हूँ। लेकिन क्यों अम्मी जान, आप अपनी कदर क्यों गंवाना चाहती हैं? जब हमें इख्तलाफ की वजह ही नहीं मालूम तो हम मुदाखलत भी क्यों करें? हम बेखबर और लाताल्लुक ही सही। हाँ, अगर अरसल अपनी बीवी को मनाकर ले आए तो ठीक है, ना ही वो हमसे नाराज होकर गई है और ना ही हमारे मनाने पर वापस आएगी। भाई अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन न जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि गेती बहुत परेशान है और उसे हमारी मदद और सहारे की जरूरत है। भाई अरसल जाए या ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी। बातो हाँ बेटे बोलो, क्या बात है? मुझे आपसे और बल्कि आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपको पूरा यकीन है? मेरा मतलब आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? मैं महज अंदाजे के बिना पर ये बात नहीं कह रही मिसेज मनान। अभी 1.5 घंटे पहले ही उनके सारे टेस्ट हुए हैं और रिपोर्ट्स में ये बात
गेती की शादी से रही हो, तुम तो मुसलसल घबराती जा रही हो। आखिर बात क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे? रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। हाँ बेटा, खुल के बात करो, झिझकने की क्या बात है? मुझे अब अपने और गेती के बारे में बात करनी है। अरसल, हेलो। हाँ रफीक जी, बना भाई तुम्हें खुशखबरी देनी थी, तुम दादा बनने वाले हो। रियली? आर यू श्योर? हाँ, डॉक्टर साहब घर पे आई थी, उन्होंने बताया। ठीक ठीक, हम आते हैं। हाँ हाँ जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम, एनी टाइम एनी टाइम। ओके अल्लाह हाफिज। ओके खुदा हाफिज। क्या हुआ बरखुरदार? तुम अपने और गेती के दरमियान कम क्राइसिस है सिचुएशन में बच्चा क्या करे। मुझे गेती पे हैरत हो रही है। अरसल को तो नहीं पता था ना सच, वो तो अनजान में, लेकिन गेती को तो पता था ना। बड़ी आई, देखा था कितना पारसा बनी फिरती थी, और हरकतें देखो। अभी प्लीज, कुछ भी जाने बगैर किसी के बारे में कमेंट्स कर रही हैं आप, अल्लाह जानता है हुआ क्या है। तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे अरसल भाई को केती भाभी के हक में फैसला करना ही पड़ेगा। नो वे, मैं अगर अरसल की जगह होती तो कभी भी गेती को ना अपनाती। जिस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है, जो अपनी सगी बहन के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकती है, जिसको रिश्तों की पासदारी का कोई ख्याल ही नहीं है, वो कैसे साबित हो सकती है एक अच्छी लाइफ पार्टनर? रहने ही दो। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? वो गेती की तबीयत नहीं, तो मैं जरा घबरा गई। गेती कौन सा पहली मर्तबा बीमार हुई है, कोई बात है क्या? नहीं, वो पता नहीं इस बार मैं क्यों घबरा गई। देखो जहां रहा
जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ऐसा तभी होता है जब इस घर में मुझसे कुछ छुपाया जाता है। नहीं अब को वहम हो रहा है, मैंने भला आपसे क्या छुपाना। तुम्हें खुशी नहीं हुई? किस बात की? अरे तुम रानी बनने वाली हो, तुम्हारी तो ऐसे हवाइयां उड़ी हुई हैं जैसे किसी के मरने की खबर सुनकर आई। नहीं नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। देखो जहाँ मैं तुम पर और बच्चियों पर बहुत भरोसा करता हूं, लेकिन जरूर ऐसी कोई बात है। तुमसे केती आप क्या बात है, तुम तो ऐसे डर गई हो जैसे कोई जिन भूत देख लिया हो तुमने। घबरा गई थी केती, तबीयत खराब है। घबरा तो तुम गेती की शादी से रही हो, तुम तो मुसलसल घबराती जा रही हो। आखिर बात क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे तुम?